गाइस पहला पेपर है आज हमारा। ये देखो भाई पूरा एक एक चीज लिख रहा है टेबल के नीचे। हाँ जी झूठ बोल रहा। सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करते सारे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, चंगे हो गए। तो गाइस मैंने इस सेमेस्टर व्लॉग नहीं किया, लाइक कॉलेज का व्लॉग नहीं किया, बाकी होली वोली का किया था सब कुछ। बट हाँ अब करते 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 क्या हुआ, व्लॉग तो बनाया नहीं, बट आ गए इसके मिड सेमेस्टर एग्जाम। तो हाँ पिछली वाला मिड सेमेस्टर एग्जाम्स का व्लॉग जो था वो आप लोगों को पसंद आया था काफ़ी, तो मैंने सोचा इस बार भी बनाते हैं क्योंकि सबकी हालत तो वैसे भी टाइट है, पहले की तरह मेरी भी टाइट है। तो आज पहला मतलब मैंने पिछली बार एग्जाम से किया था, इस बार मैं प्रैक्टिकल से करता हूँ। तो प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, तो अब फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए देखो तैयारी व्यारी तो इतनी कुछ खास है नहीं, बट हाँ स्टिल हम चलते हैं, देखते हैं जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। तो हाँ तब तक के लिए स्टे ट्यून और व्लॉग में आगे देखते रहना क्या क्या चीज़ें होने वाली है। आज मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तो देखते हैं क्या हुआ। ऐसा हुआ भाई उनियाल भाई साहब पेपर भाई कर रहा भाई। बताओ सर अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ तेरा प्रैक्टिकल, सही बताइयो। झूठ बोल रहा भाई, झूठ बोल रहा। हंडी वंडी भी करवा दूंगा ना तब भी तेरा भाई सही गया है, मेरे को पता है प्रैक्टिकल तेरा सही ना जाए ऐसा नहीं हो सकता भाई। लगे पड़े ऐसे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये खाए मकान बोलने वाली बात है। इसका तो मैं मान नहीं सकता, चल इसका मान भी लूं मैं, इसका भी नहीं मान सकता कि अच्छा नहीं गया, बेबना रहे हैं बेवकूफ साले। हाँ भाई कैसा रहा प्रैक्टिकल? कल भाई साहब की दिक्कत थी, आज तो सही है। कल तो भाई ये आज कुछ भी नहीं, झूठ बोल रही है। गाइस पहला पेपर है आज हमारा मैथ्स का, ना मुझे कुछ आता है ना कार्तिकेय को कुछ आता है ना मुझे कुछ आता है, तो बस अब हम देखते हैं पास हो गए तो ठीक है, वैसे नामुमकिन है पास होना, तो नामुमकिन इम्पॉसिबल। कॉलेज तो आ गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने देखा था यही हाल थे, सेकंड सेमेस्टर में भी यही हाल है। चलो बाकी दोस्तों से पूछते हैं जो क्लासमेट होंगे उनसे पता करते हैं कैसे उनके हाल चाल होंगे। हाँ जी क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसा है भाई? बस यार पढ़ा तो कुछ भी नहीं है, यार पढ़ा तो कुछ भी नहीं है। सीन क्या है? सीन क्या है? डेड पूरा बोल कौन रहा, देखो भाई राठी मैं तो भाई तू बता। पचास से ज्यादा ही आएंगे करके आऊंगा, अक्षरा का पेन है नंबर चार फालते मिल जाएंगे। गाइस जो लिखना था लिख दिया, अब आ गए बस ऐसी बात। भाई बता भाई कैसा रहा पेपर? ओए और आप लोग का कैसा रहा? अरे भाई ये कहाँ से आ गया, क्या सर भाई पेपर हट गई कर रखा है, अनसर्ट कर रखा है भाई, यार हालत खराब हो गई है ना तेरा बता। अनसर्ट फेल गया है भाई, तीन क्वेश्चन करे तेरे भाई ने लेकिन अनसर्ट करे हैं भाई, मतलब ऐसी अंधाधुन भाई मैंने पेट से लाया बस। बता भाई कैसा रहा तेरा पेपर, सही बताना बिल्कुल। वो भयंकर अच्छा हुआ भाई इसका पेपर, अच्छा हुआ सही में। ब्रो भाई करे तो पांचों भी हैं बस पांचों हाँ। भाई पढ़ते हैं भाई, नहीं आ रहा था मैंने भाई, मेरे को स्टार्टिंग के दो आते थे बस, फिर तीसरा नहीं आता था ऐसे ही, वो तीसरा वाला मेरे को नहीं आता था भाई वो। जी ब्रदर कैसा रहा पेपर? नंबर पक्के, मजाक सेट कर चल तू बता भाई। टॉप क्या जी, क्या हाल है? गया पेपर? गया पेपर? हाँ भाई कैसा रहा पेपर डार्लिंग, कैसा हुआ? हाँ जी भाई यार किस्मत है भाई इसकी, सारा जो लिखता है आ जाता है पेपर में।
फिर हवाबाजी ने भाई अपना आज पहली बार पेपर बढ़िया हो रहा था। सही बता लेंदी था लेंदी था भाई सही रहा मोड डार्लिंग भाई इसको भी मैं देख रहा था पीछे से लिखने में है भाई लिखने में ही था साला इडियम्स करते हैं पढ़ते हैं बाकी सारे पेपर में क्या था ना इसलिए व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि पढ़ के गया था और अच्छे अच्छे भी हुए हैं सारे पेपर जिन में नहीं पढ़ के गया उनमें हम व्लॉग कर लेते हैं कि भाई ओ यहीं से ले लेता भाई रो चलेंगे ना भाई आराम बड़ा बेवकूफ मजा आएगा तू एक नंबर का आंटी पे क्यों जाना है भाई मिस्टेक अब जरा क्लास को पहुंच के देखते हैं किसका क्या क्या हाल है बच्चों के वैसे मुझे पता है कुछ बच्चे जो हैं जो हमारे साथ वाले हैं भाई उनके वही हाल होंगे जो पहले थे शार्दुल बीरो हाँ जी बीरो क्या हाल है कुछ नहीं पढ़ गया था कुछ भी नहीं पढ़ गया आज भी खाली छोड़ के आऊँ कितने पेपर खाली छोड़ दिए सारे सारे छोड़ दिए भाई वेरी नाइस चलो जी अब देखते हैं हम भी आज का पेपर तो हम भी खाली छोड़ के आएंगे देखते हैं जो लग रहा है हिसाब देख के तू बता भाई तेरा क्या हिसाब है सारी पेपर खाली छोड़ के आते हैं एक घंटे में निकलने वाले हैं सारे पंद्रह मिनट में बोलने लगते चले वेरिफिकेशन जल्दी हो जाए तो भाग जाते हैं चलो जी अब कॉलेज आ गए हन्नी देखो भाई पूरा एक एक चीज लिख रहा है टेबल के नीचे क्या लिख रहा है भाई कुछ नहीं लिख रहा मैं अच्छा लिख गया तो लोगों को क्या क्या लिख दिया तूने अरे ऐसे लिखते हम देखो यहाँ देखिए पढ़ ये देखे ओ अरे भाई डेडिकेशन पूरा का पूरा डेरिवेशन लिख रहा है वो भी फॉर्मूले भी नहीं डेरिवेशन लिख रहा है पूरा मजाक नहीं कर रहा मैं व्लॉग बन रहा है भाई सब जाएगा लिख रहा बस भाई आता है मजाक से हटके नहीं आता भाई मेरे को सिर्फ न्यूटन्स रिंग आती है थोड़ा वो फिल्म आता है न्यूमेरिकल लिख दूंगा बस और कुछ नहीं भाई थ्योरी आती है हल्की फुल्की थ्योरी भी नहीं आती मैंने भी भाई चलो भाई एक तो आखिरी पेपर है ना भाई तो मन ही नहीं गया बाकी पूछता है भाई आता है नहीं आता हिमांशु भैया बताइए आता है नहीं आता है आता है वो जरूरी तो है ही भाई वो अच्छे भी तो होने चाहिए ना भाई पेपर बीते आखिरी पेपर अच्छा होना चाहिए ना उसके लिए भाई उम्मीद तो यही है थैंक यू रोबिन क्या हालचाल क्या है भाई फिर हिसाब आज का रंग रहा है क्या कब रख भाई हो जाएगा कर लेगा आता है अरे तुम लोगों से पूछ के फायदा नहीं है ना भाई हम जैसे को नहीं आता तुम्हें तो आता ही है भाई बहुत बढ़िया बुरे गांव की और कुछ नहीं देने का झूठ मत बोल यार देख ऐसे बंदे भी झूठ बोल रहे हो जो एक दिन की छुट्टी मिली थी उस दिन तो भाई नींद कंप्लीट हो रही है बस उसके अगले दिन अब गांड बन गए देखते हैं भाई फिर कहां फर रहे आज कहां है दिखाइए अच्छा साले निकल रहे हैं बहुत बढ़िया भाई शाबाश वेरी नाइस भाई देख ले पूरी चेकिंग कर ले भाई ते अपनी क्लास में जाके देखते कहाँ पे है इस क्लास में मैं बैठा हुआ इस क्लास में देखते हैं भाई किसको कितना आता है पढ़ी दे भाई है ना और भाई देखियो साला एक बंदा पढ़ रहा है भाई यहाँ पे एक बंदा ए कितना कर लिया भाई तुम लोगों ने कुछ नहीं करा भाई अरे खड़ा कर अपने मुंह को ओ सॉरी मुंह दिख ऊपर कर साले पढ़ा भाई फेल हो रहा है फेल नहीं हो रहा है तू फेल हो रहे भाई घंटा फेल हो रहा है भाई मैं तो फेल हूं खेल साले ओए अनिरुद्ध हां भाई पढ़ लिया देखो भाई कॉपी ऐसी हो रही है ऐसे हो रहे भाई ये रफ कॉपी है भाई रफ कॉपी में भी लिखा हुआ है ना तुमने पढ़ाकू बच्चे लिखते हैं रफ कॉपी में पढ़ाकू बच्चों पे ही रफ कॉपी होती है चलो चलो भैया देखते हैं बाकी किस पे कितना क्या क्या है अबे भैया बैठे हैं हमारे अबे साहब
हाँ जी हाँ भाई कितना? कुछ नहीं आता मेरे को भी यार सही में दिख के तो नहीं लग रहा सही बताइयो बिल्कुल क्या क्या आता है कुछ नहीं आता भाई ये तो ऐसे लिख दिया बस आज तो फिर आदर्श को दिखाएगा नहीं दिखाएगा यार भाई मेरा खुद को हो जाए तब दिखाऊंगा ना दिखाइयो मत बिल्कुल नहीं दिखाना उसको साला एक मिनट तो कभी बैक लगे उसके जिंदगी में वो साले तू दिखा कल लगती है ना हम चलते हैं अपने सो कॉल्ड टॉपर्स के पास जो यहाँ बैठे हैं हमारे सरकार देवता पढ़ाई के भाई साहब क्या हाल है भाई बहुत बढ़िया तुम सुनाओ कि भाई कितना पढ़ लिया तुमने हैं भाई पोलराइजेशन खोल के बैठा है तूने इसका मतलब पहली यूनिट तो कर ही ली है जरूरी नहीं है ये जरूरी है कर सकते नहीं कर सकते स्किप आप जैसे बंदे नहीं कर सकते स्किप सच्चाई बताओ बिल्कुल सच्चाई जनता सच्चाई जानना चाहती है जनता को पता है भाई सच जनता को पता है कैमरे के पीछे खड़ा कितना बड़ा टॉपर है कहीं भी नहीं है वो दो दो जो तीन दिन पढ़ के आया हूँ मैं बस तीन पेपर अच्छे हुए हैं ये नहीं होएगा सबको पता है भाई सबको पता है भाई घंटा होएगा ये भाई इलेक्ट्रिकल में आंसर निकल रहे थे तेरे भाई फट गई थी हमारी इलेक्ट्रिकल में आंसर निकालते ऊपर से उसको मैं दिखा रहा था पीछे मैं यहाँ बैठा था उसको दिखा रहा था मैं सर ने मेरी शीट ले ली कि ना तुम हटो उसको नहीं दिखाना की अरे यार मैंने कहा अब हम समझ सकते हैं कि आप पे क्या बीतती होगी वो टाइम पे क्या बना रहा खाम खा यार ऐसा तो इतना नहीं बनाना चाहिए भाई बेवकूफ देखो हम भी इज्जतदार खानदान से आते हैं बेवकूफ बनने थोड़े आए हैं बताओ भाई सच्चाई है एक काम कर रिवाइज कर लेते हैं चल ठीक है भाई सो गाइस मैं आ चुका हूँ ऐसे थक थक गया था गंदा पेपर से सो आज का व्लॉग मैं ही एंड करता हूँ करता हूँ आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके बताना कैसा लगा व्लॉग और शेयर करते रहना मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना जितना मुझे सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नए व्लॉग्स बनाने का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग बाय अच्छा गुड